हजरत बिशर आफी रहमतुल्लाह अलैह से सारा जमाना प्यार करता था। बगदाद का एक ताजर कहता है, मुझे नहीं बाबा अच्छा लगता था। हमारा अपना अपना जहन है ना, हम कहते हैं मैंने जिधर सारी दुनिया जा रही है वहां नहीं जाना। कहते हैं कि वो बाबा मुझे नहीं अच्छा लगता था, हालांकि सारा बगदाद इज्जत करता। क्यों नहीं अच्छा लगता था? कहते इसलिए कि बाबा ना सिर्फ फर्ज मस्जिद में पढ़ता था, बाकी नमाज घर जा। तो मैं कहता था इतना वली है तो बाकी भी मस्जिद में पढ़े। कहते एक दिन मैंने कहा जसूसी करनी है इसकी, जो कि इस्लाम में मना है। कहते हजरत बिशर आफी रहमतुल्लाह अलैह ने जुमे के फर्ज पढ़े, फर्ज पढ़ के निकल गए दौड़ के। फरमाते मैं पीछे हो गया। मैंने कहा आज मैंने सुन्नतें छोड़ दी हैं पर इसका पता करना है, सुन्नत नफल बाद में पढ़ूंगा। कहते हजरत बिशर आफी जल्दी से ना एक कबाब वाली दुकान पर गए, वहां से कबाब खरीदे। और मैंने कहा बूढ़े की उम्र देखो और इसके जायके देखो, इस उम्र में भी कबाब खाएगा। ओए होए, मौलवी को रोटी ने सताया था इसलिए सुन्नत और नफल छोड़ाया है। कहते थोड़ा सा वो आगे बढ़े तो नान भाई की दुकान से ना नान खरीदे। मैंने कहा देखो यार, देखो इसके जायके, गरम नान खाएगा। बहुत सारे लोग बगदाद में रात की रोटी खाते पर ये गरम खाता है। कहते हजरत वो नान और कबाब लेके ना जंगल की तरफ मुड़े तो मेरे दिल में ख्याल आया, यार बड़ा इस आदमी का अजीब जहन है, ये अब सब्जे पे बैठ के यहां मौज करेगा, खाए पिएगा और सुन्नत नफल छोड़ दी, अला हजारों मुरीद है। कहते हजरत जंगल में दाखिल हुए, थोड़ा सा सफर किया तो कच्ची आबादी आ गई। कच्ची आबादी, एक कच्चे मकान की टूटा हुआ दरवाजा, बाहर से कुंडी लगी। बगदाद के नंगे पांव चलने वाले हजारों मुरीदों के उस पीर ने कुंडी खोली, अंदर गए, एक फालज ज़्यादा बाबा जी बैठे। कहते हजरत बिशर आफी ने अपनी पगड़ी खोली और उस आदमी के मुंह से पानी निकल रहा था, लाल टपक रही थी। कहते पहले अपनी पगड़ी से मुंह साफ किया, फिर प्याले से पानी डाल के मुंह धोया, फिर हजरत उसके टांगों पे कपड़ा डाल के रोटी का लुकमा तोड़ के उसके मुंह में डाल के कहने लगे, बाबा नाराज ना होना, जुमे वाले दिन मुझे देर हो जाती है, अभी तो मैंने सुन्नत और नफल भी पढ़ने हैं, नाराज ना होना, मुझे देर हो जाती है। कहते हैं वो बाबा रो पड़ा और कहने लगा, बिशर यार 14 साल हो गए तू रोज आता है, 14 साल, ये एक सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं, 14 साल से तू रोज आता है, मैं पता नहीं कब तक लाश बने पड़ा रहूंगा, तू कब तक आएगा। हजरत बिशर आफी ने बाबे के आंसू पोंछ के कहा, बाबा फिक्र न कर, आज के बाद ये जुमला ना कहना कि तू मेरे लिए बोझ है। फरमाया लोग समझते हैं कि मैंने इबादत करके मकाम पाया है, लोग समझते हैं मैं नवाफल ज्यादा पढ़ता हूं, दुनिया जानती है कि मेरी रात की तस्बीह ज्यादा मजबूत है, पर मैं इनमें से कोई बात भी नहीं, मैं तो तेरी नौकरी करता हूं तो अल्लाह ने मेरी इज्जतों में इजाफा फरमा दिया है। सोच ही साफ नहीं, नजरिया ही ठीक नहीं, फिक्र ही ठीक नहीं। इस्लाम नजरिए का मजहब है, सोच का। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की हदीस सुनी, हजरत अनस बिन मालिक फरमाते जब इंसान ने रोजा रखा होता है ना तो रूह वैसे ही पाक होती है उसकी। मैंने ये सोचा कि कुछ बातें ऐसी की जाएं जिससे थोड़ी सी सोचें भी तब्दील हो, कुछ सोचों का वजू, सोचों का गुसल, अफकारों नजरियात की भी बात हो। हम समझते हैं कि शायद कसरत इबादत असल है। इकबाल कहते हैं ये जिक्र नीम शबी, ये मुराकबे, ये सुरूर, तेरी खुदी के अगर निगेबान नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। तेरी खुदी के अगर, और फिर आम चीज नहीं कहा, ये जिक्र नीम शबी, सवेरे सहरी का जिक्र, ये मुराकबा, ये जो तू घंटों अल्लाह की याद में बैठा रहता, ये सुरूर। कहते बेकैफ इबादत नहीं, सुरूर वाली। ये जिक्र नीम शबी, ये मुराकबे, ये सुरूर, तेरी खुदी के अगर निगेबा नहीं, अगर तेरे नजरिए को नहीं बदल सके, तेरी सोच नहीं बदल सके, तेरा ईमान मजबूत नहीं कर सके, तेरी खुदी की अगर निगेबा नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। और खिरद ने कह भी दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह, दिलो निगाह, दिलो निगाह अगर मुसलमान नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, दिलो निगाह। इकबाल कहते हैं एक दिल का कलमा पढ़, दूसरा नजर का कलमा पढ़, इन पे पाबंदी लगा, दिलो निगाह अगर मुसलमान नहीं तो फिर तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं मैं हुजूर के पास बैठा था, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अमर भी बैठे थे, कोई बात हो रही थी, एक हुजरे में बैठे थे, दरवाजे पे दस्तक हुई। मुस्नद इमाम अहमद में हदीस है,
नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंस दरवाज़ा खोलो, दरवाजे पे वो बंदा है जिसको अल्लाह बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमाएगा, वो बंदा है दरवाजे पे। हजरत अंस बिन मालिक कहते मैंने दरवाज़ा खोला तो बंदा देखा, गरीब सा एक अंसारी सियाबी, और बंदा बड़ा सादा, वुजू ताज़ा करके आया तो पानी के कतरे दाढ़ी से बह रहे हैं, और चमड़े के जूते उसने लपेट के ना तो बगल में छुपाए हुए। आके अत्तायात की हालत में बैठा, हुजूर से दो चार बातें की, चला गया। हम उसका रंग देखते रहे और मुस्तफ़ा का करम देखते रहे। इसको हुजूर ने जन्नती कहा है? कहते हैं अगले दिन उसी टाइम उसी वक़्त हम हुजूर के पास बैठे थे, फिर दरवाजे पे दस्तक हुई। हुजूर ने फरमाया दरवाज़ा खोलो, दरवाजे पे वो बंदा है जिसे अल्लाह बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमाएगा, बगैर हिसाब। कहते हैं दरवाज़ा खोला, और जैसे ही मेरी नज़र पड़ी बंदा भी वही है जो कल आया था, और अंदाज भी वही है जो कल था, उसी तरह पानी के कतरे, उसी तरह जूते बगल में। अस्सलामु अलैकुम, कल हुजूर फलां बात की तफसील पूछनी मुझसे रह गई थी, गलती होगी, दोबारा आया हो। उसने अपनी गुफ्तगू की, चंद जुमलों में बात समेटी, चला गया। फरमाते इत्तेफाक की बात के दिन तीसरा, बंदे भी हम दोनों, मैं और अब्दुल्ला इब्ने अमर, हजरत अंस बिन मालिक कहते हैं दोनों बैठे थे, सेम टाइम सेम डे। फिर दस्तक हुई, हुजूर ने फरमाया दरवाज़ा खोलो, और मुस्कुरा के फरमाया दरवाजे पे वो बंदा है जिसे अल्लाह बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमाएगा। कहते हैं खिल उठे हमारे चेहरे, बाहर गए, दस्तक हुई थी, दरवाजा खोला। फरमाते मुझे यकीन था वही होगा जो दो दिन पहले आया था, और मेरे यकीन के मुताबिक ही काम हुआ, वही बंदा था जो कल भी था, जो परसों भी था, हालत और कैफियत और अंदाज भी वही था। पानी के कतरे बह रहे हैं, और उस शख्स ने जूते बगल में दबाए हुए खिदमत में हाजिर हुआ, बैठ गया, बातचीत की, चला गया। हजरत अंस बिन मालिक कहते हैं थोड़ी देर हुई तो हुजूर भी तशरीफ ले गए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अमर मुझे कहने लगे यार वैसे कितने इसके नसीब हैं, कितने नसीब हैं, कोई आया ले के चला गया, कोई आया ले के, कोई आया ले के चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका, मेरे मौला तुझसे गिला नहीं। ये तो अपना अपना नसीब है, ये तो अपना अपना, और न किसी के हाल पे तंज कर, न किसी के गम का मजाक उड़ा, वो जिसे चाहे जैसे नवाज दे, ये मिजाज लुत्फ रसूल है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कहते हम लोग गुफ्तगू करने लगे, अब्दुल्ला इब्ने अमर मुझसे कहने लगे यार वैसे पता करना चाहिए ये कौन सा अमल करता है, पता करना, जैसे हम नहीं पता करते कि ये बंदा बड़ा चमक गया, पता करो कौन सा कारोबार करता है, ज़रा इसकी जसूसी तो करो। और बंदे भी बड़े समझदार हैं, वो साइड बिजनेस नहीं बताते, वो कहते हैं वो जो मेरा लहदा है वो नहीं बताना, कहीं ये ना शुरू कर ले। हालांकि इंसान के पास जो खूबी, जो अल्लाह ने उसे दौलत देनी होती है, वो अपना अपना नसीब होता है, वो घर में बैठे भी अल्लाह अता कर देता। वो कहते हैं कि पता करो क्या अमल करता है। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अमर कहते हैं मैं उसके पीछे हो गया, उससे सलाम ली, तो मैंने कहा मुझे दो तीन दिन के लिए मेहमान बना लोगे, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, दो तीन दिन के लिए मेहमान बना लोगे? तो कहते मुझसे कहने लगा को घर में झगड़ा हो गया, क्योंकि पड़ोस में तो तुम्हारा, करीब ही तो तुम्हारा घर है, मेरे मेहमान बनने को झगड़ा है? तो मैंने कहा चलो ऐसे ही समझ लो, पर मुझे मेहमान बना लो। कहते मैं तीन दिन और तीन रातें उस शख्स के साथ रहा, वो कितना सदका करता है मैं नोट करता रहा, नमाज कितनी पढ़ता है उसका क्या, मैं चाहता था कि वो अमल मुझे मिले, इसकी बरकत से मुस्तफ़ा ने इसे तीन मरतबा जन्नती फरमाया है, ताकि वो कैफियात मुझे भी मिले। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अमर कहते हैं कि मैंने कोई ख़ास चीज़ नहीं देखी, वो इशा पढ़ता तो फजर तक बिस्तर पे करवटें लेता, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उठ के तहज्जुद भी पढ़ता, नवाफल भी पढ़ता। कहते हैं वो एक सिपारा पढ़ता, मैं तीन तीन पढ़ता। फरमाते उसने तीन दिनों में खजूर भी सदका नहीं दी, एक खजूर भी, और मैंने बड़े बड़े गरीबों की मदद की। मैं कहने लगा कि अमल तो मेरा ज़्यादा है इससे, फिर खूबी क्या है? खास तवज्जो करना, इस्लाम और दीन का जो फिक्री असास, जो फिक्री असास हमें सहाबा ने दी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अमर कहते हैं मैंने तीसरे दिन उसे कहा भाई अल्लाह तेरा भला करे, तूने बड़ी खिदमत की, मैंने जाना है, मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ था, मैं तो बस तेरा अमल देखने आया था कि तू अमल क्या करता है। तो वो सहाबी कहते हैं मुझे कहने लगे यार तू मेरा अमल देखने आया था, मुझे बता तो सही क्या तूने, और क्यों देखने आया मेरा अमल, तुझे क्या जरूरत पड़ी मेरी जासूसी की? तो कहते हैं मुझसे
जब उसने सवाल किया तो मैंने उसको कहा, भाई तू 3 दिन आया है ना, हम बैठे हुए थे। कहा हाँ मैं आता रहा हूँ। कहा तीनों दिन नबी पाक ने फरमाया अल्लाह तुझे बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमाएगा। तो मैं चाहता था कि मैं जरा जासूसी करूं, जरा देखूं, खोज लगाऊं कौन सा ऐसा अमल है। आप भी जरा ध्यान दीजिएगा, कौन सा ऐसा अमल है। हालांकि तू शाह पढ़ता है और उठ के फजर पढ़ता है, मैं तहज्जुद भी पढ़ता हूं, तेरा सिपारा एक है मेरे 3 है, कौन सा ऐसा अमल है जिसके सबब तुझे जन्नत मिलेगी। कहते हैं वो सहाबी कहने लगे, यार कोई ऐसा अमल नहीं, कोई शय नहीं, मैं इस काबिल ही नहीं, मन आनम के मन दानम, जो मैं हूं मुझे पता है। का फिर कोई बात तो होगी, तेरी मेहरबानी बता दे, मैंने 3 दिन 3 रातें मेहनत की है, बता दे। कहते वो कहने लगे, अगर तुझे बताऊं ना तो फिर सुन, मैं जब रात को सोता हूं तो अपने दिल पे नजर डालता हूं, और सवेरे जब उठता हूं तो फिर अपने दिल पे नजर डालता हूं, मोबाइल पे नहीं, कुंजी पे नहीं कि चाबियां किधर हैं, बटुए पे नहीं, मैं रात को सोते हुए भी अपने दिल पे नजर डालता हूं, सवेरे उठते हुए भी मैं सबसे पहले अपने दिल पे नजर डालता हूं। फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे दिल में किसी का हसद नहीं है, किसी के बारे में कोई कीना नहीं है, कोई किसी के बारे में मैल नहीं, मैं अल्लाह के हर बंदे के बारे में सोच नजरिया फिक्र अच्छी रखता हूं। और फरमाया मैं तेरे बारे में भी अब्दुल्ला यही सोचता हूं कि तू मुझसे ज्यादा नेक है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी मेरा ज़हन ये है कि अंस बिन मालिक मुझसे ज्यादा परहेजगार है। इस वक्त भी मेरी सोच ये है कि महबूब के सब सहाबा में सबसे कमजोर मैं ही हूँ। नब्द अब्दुल्ला इब्ने अमर कहते मैंने उसका हाथ चूमा, मैंने कहा समझ आ गई है, तेरा नजरिया तेरी सोच पक्की और सच्ची मुसलमान है, तू दिल और रूह का मुसलमान है, तू नजर और रूह का मुसलमान है। ये सबब है कि अल्लाह के रसूल ने जमीन पर चलते हुए भी तुझे 3 दफा जन्नत की बिशारत अता